हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में आप लोगों के लिए एक मैं नई क्लास लेकर आया हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि हम लोग बीकॉम की क्लासों को भी आप जल्द से जल्द शुरू करने वाले हैं, सारी की सारी क्लासें आप लोगों को एसपी एजुकेशन चैनल पर मिलती रहेंगी। सबसे पहले बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर की हम लोग बात करने वाले हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में जितना भी है, जैसे बिजनेस कम्युनिकेशन है, बिजनेस स्टैटिक्स है, बिजनेस स्टैटिक्स क्लास आप लोगों की पहले से ही चल रही है, और बिजनेस स्टैटिक्स के बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, तो इन सारी की सारी क्लासें आप लोगों को यहीं पर इसी चैनल पर मिलती रहेंगी। लेकिन अभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में टाइम है, तो इसलिए हम लोग अभी उसमें नहीं करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं व्यावसायिक संप्रेषण के बारे में। व्यावसायिक संप्रेषण की पूरी क्लासों को हम लोग यहीं पर करने वाले हैं और अच्छी तरीके से करने वाले हैं, जिससे आप लोग एग्जाम को अच्छी तरीके से दे सकें और अपना एग्जाम क्लियर कर सकें। व्यावसायिक संप्रेषण में सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं व्यावसायिक संप्रेषण होता क्या है। ये हम लोगों की पहली क्लास होने वाली है, तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से, अगर आप लोगों ने नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आप लोगों को आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन पहले से ही मिलते रहे। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं क्लास नंबर वन की बात करने वाले हैं, और वन में हम लोग पढ़ने वाले हैं व्यावसायिक संप्रेषण को हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेकिन व्यावसायिक संप्रेषण होता क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, इसे किस प्रकार से करते हैं। तो सबसे पहले इनकी इंट्रोडक्शन पार्ट को जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि किस प्रकार से हम लोग इनको करने वाले हैं। सबसे पहले आप लोगों को, अगर आप लोग नए हैं तो एसपी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आप लोग, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ही ऐसे ही आगे वीडियो बनाने वाला हूं। बात करते हैं कि व्यावसायिक संचार का परिचय। सबसे पहले व्यावसायिक संचार, सबसे पहले संप्रेषण की बात हम लोग करने वाले हैं, संप्रेषण। अब संप्रेषण क्या होता है या फिर संचार क्या होता है, तो इसके बारे में जानते हैं। संचार का मतलब होता है कि जैसे मान लो मैं आप लोगों से बात करता हूँ, ठीक है, आप लोगों से बात करता हूँ और आप लोग मेरे से बात करते हैं, तो ये जो आदान प्रदान हो रहा है, शब्दों का आदान प्रदान जो हो रहा है, इसे हम लोग संप्रेषण कहते हैं। ठीक है, तो संप्रेषण का मतलब कोई ज्यादा खास नहीं है। संचार का मतलब होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान और दूसरे स्थान से तीसरे स्थान पर किसी की विचारों को जानना और अपने विचारों को उस तक पहुंचाना, तो इसी को हम लोग बोलते हैं संचार या फिर संप्रेषण बोलते हैं। सबसे पहले हम लोग जानने क्या वाले हैं, व्यावसायिक संचार का परिचय जानने वाले हैं। व्यावसायिक संचार का परिचय, व्यावसायिक संचार क्या है, इसके बारे में अच्छी तरीके से जानने वाले हैं, क्योंकि एक एक बात आप लोगों को अच्छी तरीके से पढ़नी है, और अगर नोट्स बनाने हैं तो आप लोग नोट्स बनाते रहिए। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि व्यवसाय में संप्रेषण या संचार माध्यम की अपनी एक विशेष भूमिका है। मतलब कि व्यवसाय में अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे मान लो कि अगर किसी को हमें ऑर्डर देना है, तो ऑर्डर देंगे तब बोलेंगे तो देंगे, और बोल के देंगे तो मतलब संप्रेषण होगा, वहां पर बात करेंगे, वो भी हमसे बात करेगा, तो वहां पर संप्रेषण होना लाजमी है। तो व्यवसाय में संप्रेषण माध्यम की अपनी एक विशेष भूमिका है। मतलब कि एक संप्रेषण अगर ना हो, व्यवसाय से अगर हम लोग संप्रेषण निकाल लें, मतलब किसी से बात ही ना करें, सारी बातें लिखित में करें या फिर हम किसी को इशारों से समझाएं, तो ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो कोई बात अगर व्यवसाय में संप्रेषण जो है अपनी एक विशेष भूमिका है। कोई भी व्यापारी हो, चाहे व्यवसायी हो अथवा उद्योगपति हो, संप्रेषण की विभिन्न प्रक्रियाओं में भाग लेता है। कोई ये नहीं कह सकता कि हम संप्रेषण नहीं करते, चाहे कोई भी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे इंडस्ट्रीज हो, मतलब उद्योगपति हो, संप्रेषण की विभिन्न प्रक्रियाओं से उसमें भाग लेना पड़ता है। जैसा वह विभिन्न प्रकार की व्यापारिक जानकारी अलग अलग माध्यमों से ज्ञात करता है, मतलब कि वह अपना जो है व्यापारिक जानकारी जो है वो अलग अलग माध्यमों से प्राप्त करता है और अलग अलग माध्यमों को देता भी होगा। अपने व्यापार के बारे में लोगों को जानकारी देता है, बिल्कुल देता है। मैंने अभी आपको बताया कि देखो, जानकारियां लेता भी होगा और जानकारियां देता भी होगा। क्यों? अगर लेना ही है तो, जैसे मान लो कि अगर हमें किसी से कच्चा माल लेना है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कहाँ मिलता है, किस किस्म का मिलेगा, कितना रुपए का मिलेगा, ये सारी की सारी हम उससे बातें पूछेंगे। अब उसके बाद ये तो हो गया, हमने उससे जानकारी प्राप्त की है, अब हमें देनी है किसी को। कोई हमसे भी तो पूछेगा कि भैया ये कितने का माल है, किस प्रकार का है, किसकी उच्च क्वालिटी है या निम्न क्वालिटी का है, तो ये सारी बातें कोई हमसे पूछेगा भी, तो हमें जानकारी देनी भी पड़ेगी। तो इस जानकारी देने के लिए अपने नेटवर्क का सहारा लेता है। मतलब कोई अगर मान लो व्यवसायी है, जैसे मान लो कि मैं अगर आप लोगों को पढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है,
अगर मैं आप लोगों को पढ़ा मतलब बोल के ना बताऊं तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। हर चीज लिखने से नहीं समझ रही है, फीलिंग जो होती है वो बोलने से ही शायद शेयर होती है, ठीक है। तो इस जानकारी देने के लिए मतलब कि कोई जानकारी अगर व्यवसायी देना चाहता है किसी को, तो अगर वो जानकारी देना चाहता है तो वो जिस नेटवर्क का सहारा लेता है, तो वो आदि आदि मतलब कि बहुत से नेटवर्कों का सहारा लेता है। यह सारा कार्य संप्रेषण के माध्यम से ही संपादित किया जाता है, मतलब कि जो भी कार्य अगर हम लोग करते हैं वो सारा का सारा काम हम संप्रेषण से करते हैं। जैसे मान लो किसी को ऑर्डर देना है, किसी से पैसे लेना है, किसी को पैसे देना है, चाहे कोई भी क्रिया करो, उसमें संप्रेषण का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और सारा का सारा काम संप्रेषण के माध्यम से ही संपादित किया जाता है या संपादित कर पाता है। बिना संप्रेषण के अगर कोई कहता है कि हम व्यवसाय करते हैं तो ये हो नहीं सकता, ठीक है। तो ये तो हो गया व्यवसायिक संचार का परिचय, और परिचय अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अपनी बात अपनी देखो, ये नहीं है कि आप लोगों को एज इट इज लिखना है, मेरा जो लिखा हुआ है एज इट इज नहीं लिखना है। आप लोग चाहें तो इसमें कुछ परिवर्तन ही कर सकते हैं, अपने वर्ड भी रख सकते हैं, क्योंकि आप लोग ऐसा कर सकते हैं। अब उसके बाद हम लोग जानने वाले हैं कि संप्रेषण का आशय क्या होता है। संप्रेषण जो है, संप्रेषण का आशय, मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन शब्द का आशय क्या है। सबसे पहले संप्रेषण जो है, संप्रेषण को इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन शब्द अंग्रेजी के कॉमन शब्द से बना है, ठीक है। अंग्रेजी के किस शब्द से बना है, तो वो कॉमन शब्द से बना है जिसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द कम्युनिकेयर से हुई है। तो ये बातें आप लोगों को याद रखनी है, और आप लोग अच्छी तरीके से देखो स्टेटमेंट तभी दिख पाएंगे जब अपनी तरीके से याद करेंगे। सबसे पहले आप लोग याद रखें कि संप्रेषण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन जो शब्द है अंग्रेजी के कॉमन शब्द से बना है, और जिसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द के कम्युनिकेयर से हुई है, कम्युनिकेयर से हुई है। अब कम्युनिकेयर का मतलब क्या होता है, तो जिसका शाब्दिक अर्थ है एक समान संप्रेषण मतलब ये है कि यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे लिखना चाहिए था एक समान, तो इसका मतलब क्या है कि कम्युनिकेयर का मतलब है कि एक समान। संप्रेषण वह साधन है, नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि संप्रेषण वह साधन है जिसमें संगठित क्रिया द्वारा तथ्यों मतलब कि विचारों को विकल्पों को और निर्णयों को दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य अथवा व्यवसायिक उपक्रमों के मध्य, मतलब कि ये एक ए बिजनेस है और एक बी बिजनेस है, अगर मान लो इनको अगर आपस में बात करनी है तो कम्युनिकेशन का सहारा लेंगे, और अगर इनको इससे बात करनी है तो कम्युनिकेशन का सहारा लेंगे। अब जरूरी नहीं है कि ये दोनों व्यक्ति ही हों, कोई संस्थाएं भी हो सकती हैं, कोई व्यक्ति भी हो सकता है। तो देखो लिखा हुआ है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य अथवा व्यवसायिक उपक्रमों मतलब संस्थाओं के मध्य आदान प्रदान होता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन बोलते हैं। एक बात और लिखी हुई है इसमें नोट में कि संदेशों का आदान प्रदान जो होता है वो लिखित, मौखिक और सांकेतिक हो सकता है। अब लिखित, मौखिक और सांकेतिक मतलब होता है, जैसे मान लो कि अगर हम लोग आपसे कहें, लिख लिख के आप लोगों को बताएं, तो ये लिखित संप्रेषण है। संदेशों का आदान प्रदान जो हमने किया है वो लिख कर किया है। तो ये आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग जब कहीं जाते हैं, ये रोडें हैं और रोडों पर बड़े बड़े होर्डिंग लगे होते हैं, ठीक है। तो ये लिखकर कोई बात अगर बताई गई है तो ये हम लोगों का लिखित संदेश हो गया। लिखित अगर हम लोग लिखित रूप से आप लोगों को संदेश दिया है। मौखिक रूप से अगर हम लोग बात करते हैं तो बोलकर अगर हम लोग आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं तो ये मौखिक रूप से है। और संकेत आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ संकेत बने होते हैं, इस प्रकार से राम मुड़िए, दाएं मुड़िए, तो इस प्रकार से जो एरो बने होते हैं ये संकेत करते हैं। तो इनको हम लोग बोलते हैं कि जो संदेशों का आदान प्रदान जो होता है वो लिखित, मौखिक अथवा सांकेतिक रूप से हो सकता है, संकेतों के रूप से भी हो सकता है। तो इन बातों को याद रखिए। अब माध्यम की बात करते हैं, तो माध्यम जो होता है वो किस प्रकार से हम लोग, मीडियम जो यूज है, किस प्रकार से हम लोग अगर आपको कोई बात कहना चाहते हैं तो आप लोगों को अपनी बात किस प्रकार से भेजेंगे। आपसे डायरेक्ट बातचीत भी कर सकते हैं, विज्ञापन के द्वारा आप तक अपनी बात को विज्ञापन के माध्यम से पहुंचा सकते हैं, रेडियो के माध्यम से पहुंचा सकते हैं, टेलीविजन के माध्यम से पहुंचा सकते हैं, समाचार पत्रों के माध्यम से पहुंचा सकते हैं, ईमेल के माध्यम से, पत्राचार आदि कुछ भी हो सकता है। मतलब कि कोई भी तरीका हो सकता है संदेशों को पहुंचाने का और संदेशों को प्राप्त करने का।
संप्रेषण को संदेश वाहन, संचार अथवा संवाहन आदि समानार्थी शब्दों से पुकारा जाता है। मतलब कि संप्रेषण का एक अकेला नाम नहीं है, संप्रेषण को अन्य नामों से भी पुकारा जा सकता है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं संदेश वाहन भी बोलते हैं, संचार भी कह देते हैं, संवाहन भी कह देते हैं। तो ये सारे के सारे वर्ड एक ही हैं, बस इनको हम लोगों को अच्छी तरीके से एक वर्ड को समझ लेना है और उसको अच्छी तरीके से करके जाना है। उसके बाद माध्यम के बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो माध्यम में लिखते बाद लिखा हुआ है कि आधुनिक व्यवसायिक युग में, अगर हम लोग आधुनिक व्यवसायिक युग की बात करते हैं तो व्यापार अथवा उपक्रम की सफलता का मूल तत्व न केवल संप्रेषण बल्कि प्रभावी संप्रेषण के कारण ही संभव है। अगर मान लो अच्छी तरीके से अगर आप लोगों का मेरी बात, जैसे मान लो मैं आप लोगों से बात करता हूँ, ठीक है, आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, अगर आप लोग मेरी बात नहीं समझते हैं, अगर आप लोग मैं आप लोग अच्छी तरीके से आप लोगों के सामने अपनी बात को नहीं रखता हूँ तो वो प्रभावी संप्रेषण नहीं हुआ, संप्रेषण ही हुआ अकेला। अगर वो प्रभावी संप्रेषण तभी कहलाएगा जब आप लोगों को मेरी बात समझ में आएगी और आप लोग उसमें फीडबैक करेंगे तो मैं समझूंगा कि आप लोगों के सामने जो मैंने संप्रेषण दिया है वो अच्छा दिया है, ठीक है। तो संप्रेषण कैसा होना चाहिए, एक प्रभावी होना चाहिए। व्यवसाय व्यापार में अगर कोई व्यापार है, कोई उपक्रम है और उसकी सफलता जो है मूल तत्व क्या है उसका, संप्रेषण नहीं है बल्कि प्रभावी संप्रेषण है। अच्छी तरीके से संप्रेषण अगर करेंगे तभी व्यापार की सफलता पा सकते हैं। संप्रेषण ही एक साधन है जिसके द्वारा व्यवहार को क्रियान्वित किया जाता है। संप्रेषण ही एक माध्यम है जिसके द्वारा व्यवहार को ही क्रियान्वित किया जाता है। परिवर्तनों को लागू किया जाता है। सूचनाओं को उत्पादक बनाया जाता है एवं व्यवसायिक लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है। संप्रेषण के द्वारा ये सारे के सारे कार्य किए जाते हैं, तो इसलिए संप्रेषण जो है सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। संप्रेषण में अगर हम लोग बात करते हैं और ये हाईलाइट में लिखा हुआ है कि संप्रेषण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सूचनाओं का आदान प्रदान शामिल होता है। संप्रेषण में क्या होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अगर हम लोग सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं तो वो सभी संप्रेषण में शामिल होता है। आधुनिक संचार क्रांति के युग में समस्त व्यवसायिक उपक्रमों की सफलता काफी सीमा तक प्रभावी संप्रेषण पर निर्भर करती है। तो ये इस बात को आप लोग समझ गए होंगे कि संप्रेषण क्या है। संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, तो संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिकेयर शब्द से हुई है। और कम्युनिकेयर का शब्द का अर्थ होता है एक समान। कम्युनिकेयर शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है एक समान, ये लिखा हुआ है एक समान। उसके बाद संप्रेषण वह साधन है जिसके द्वारा तथ्यों, सूचनाओं और विकल्पों के द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। उसके बाद संप्रेषण संदेशों का जो माध्यम होता है वो कौन सा होता है, तो संदेशों का माध्यम जो होता है, आदान प्रदान जो होता है वो हम लिखित, मौखिक और सांकेतिक रूप में भी कर सकते हैं। माध्यम की अगर हम लोग बात करते हैं तो संप्रेषण का जो माध्यम होता है वो बातचीत के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से आदि कई तरीके से संप्रेषण किया जा सकता है। संप्रेषण को संदेश वाहन, संचार, संवाहन आदि कई नामों से पुकारा जाता है। उसके बाद आधुनिक युग में जो है, आधुनिक वर्तमान युग की बात करें, आधुनिक युग की बात करें तो संप्रेषण जो है व्यवसाय की सफलता संप्रेषण तक ही सीमित नहीं होती बल्कि प्रभावी संप्रेषण तक सीमित होती है। तो इन बातों को अच्छी तरीके से रिकॉल करते रहना है और अच्छी तरीके से नोट्स को बनाते रहना है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो अब नेक्स्ट में बात करते हैं तो संप्रेषण की प्रकृति, और संप्रेषण की प्रकृति की अगर हम लोग बात करते हैं तो संप्रेषण की प्रकृति मतलब संप्रेषण का जो नेचर होता है वो किस प्रकार का नेचर होता है। संप्रेषण की जो प्रकृति होती है इसमें हम लोग बात करने वाले हैं
संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। जो मैंने लक्ष्य निर्धारित किए हैं उनको प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। अगर आप लोगों ने सोचा है कि हमें अच्छी परसेंटेज बनानी है, तो ये जो है ये उद्देश्य हैं आप लोगों के, ये निर्धारित लक्ष्य हैं और इनको प्राप्त करने के लिए आप प्रयास करेंगे, ठीक है। इससे व्यक्तियों के समूहों एवं विभागों के बीच एक सेकंड इससे व्यक्तियों एवं विभागों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। मतलब कि संप्रेषण में बात करते हैं तो संप्रेषण में व्यक्तियों हो चाहे विभाग हो, इनके बीच सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। संप्रेषण में वर्तमान एवं भूतकाल की दोनों सूचनाओं को सम्मिलित किया जाता है। चाहे भविष्य की बात करें, चाहे भूतकाल की बात करें, वर्तमान की बात करें, चाहे भूतकाल की बात करें, दोनों सूचनाओं को शामिल किया जाता है। संप्रेषण प्रबंध प्रक्रिया का एक यंत्र है। उच्च अधिकारियों एवं अधीनस्थ का मतलब एक उच्च अधिकारी होते हैं और उनके नीचे जो काम करने वाले होते हैं उन्हें अधीनस्थ कहते हैं। तो उच्च अधिकारियों एवं अधीनस्थ का मतलब होता है कि अधिकारियों के नीचे जो कार्य करते हैं उन्हें अधीनस्थ बोलते हैं। अधीनस्थों के मध्य मधुर संबंध का सृजन केवल प्रभावी एवं अर्थवान संप्रेषण द्वारा ही किया जा सकता है। कि मतलब अधीनस्थों के मध्य अगर हमें मधुर संबंध बनाना है तो वो केवल प्रभावी संप्रेषण के द्वारा ही किया जा सकता है। संप्रेषण की जो प्रकृति होती है, संप्रेषण की प्रकृति संदेशों एवं अंतर संबंधों के आदान प्रदान करने की होती है। संप्रेषण लिखित, मौखिक, अभिनय एवं तस्वीरों आदि को द्वारा किया जा सकता है, मतलब सांकेतिक भी हो सकता है। तो इन बातों को आप लोगों को अच्छी तरीके से करना है। ये एक तरीके से रिपीटेड कॉल होती है हम लोगों के लिए, क्योंकि ये सारी बातें हम लोग रिपीट कर रहे हैं बार बार। संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हम लोग प्रयास किया जाता है। इसमें व्यक्तियों समूहों विभागों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। संप्रेषण में वर्तमान एवं भूतकाल दोनों ही सूचनाओं को सम्मिलित किया जाता है। संप्रेषण प्रबंध प्रक्रिया का एक यंत्र है। उच्च अधिकारी और अधीनस्थ अधिकारी या निम्न अधिकारियों के मध्य मधुर संबंध बनाने के लिए संप्रेषण के द्वारा ही किया जा सकता है। संप्रेषण की प्रकृति संदेशों एवं अंतर संबंधों के आदान प्रदान करने से होती है। संप्रेषण लिखित, मौखिक और सांकेतिक आदि के द्वारा भी किया जा सकता है। उसके बाद अब हम लोग बात करने वाले हैं संप्रेषण की प्रकृति में और भी कुछ बातें हैं हम लोगों को याद रखनी है। कि संप्रेषण का मुख्य उद्देश्य केवल यह होता है कि संदेश प्राप्तकर्ता संदेश को मूल रूप से तथा उसी दृष्टिकोण के अनुसार समझे जैसा कि समगोपक ने घोषित किया है। तो जैसे मान लो ने अगर आप लोगों को कोई संदेश भेजा है और आप लोगों को संदेश जो है अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। ये नहीं है कि आप उसमें मॉडिफिकेशन करके किसी दूसरे को बता, मतलब उसमें जो है सही संदेश आप लोगों तक पहुंचा जा सके। तो इसलिए एक प्रभावी संप्रेषण का यही दायित्व होता है। एक दायित्व मतलब कि एक तरीके से प्रभावी संप्रेषण तभी होता है जब हम लोग अच्छी तरीके से किसी को मेरी बात समझ में आ जाए, तो ये प्रभावी संप्रेषण में आ जाएगा। संप्रेषण तभी प्रभावी होता है जब प्रापक द्वारा पूर्णता समझ दिया जाता है, मतलब कि जो प्राप्तकर्ता है उसे पूर्णता समझ दिया जाता है। यदि प्रापक द्वारा ना समझा जाए तो ऐसी संप्रेषण प्रक्रिया को पूर्ण नहीं माना जाता है। मतलब कि अगर मेरी बात आप लोगों को समझ में नहीं आई है तो वहाँ पर संप्रेषण प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है, क्योंकि आप लोगों को जब समझ में नहीं आया तो आप लोग संप्रेषण ही प्रभावी नहीं हुआ है। उसके बाद अब नेक्स्ट में लिखा हुआ है, तो हेडिंग लिखी हुई है कि संप्रेषण विज्ञान एवं कला दोनों है। तो इस बात को याद रखिए, इस बात को हेडिंग भी आप लोग बना सकते हैं कि संप्रेषण विज्ञान कला दोनों है। संप्रेषण प्रक्रिया में विज्ञान एवं कला दोनों के तत्व पाए जाते हैं, इसलिए संप्रेषण को विज्ञान और कला दोनों कहा जाता है। संप्रेषण विज्ञान है। कम्युनिकेशन इज ए साइंस। अगर कम्युनिकेशन इज ए साइंस है तो किसी विषय विशेष से संबंधित व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को जो सिद्धांतों पर आधारित हो उसे विज्ञान कहते हैं। ज्ञान वैज्ञानिक विधियों पर आधारित होना चाहिए। और संप्रेषण विज्ञान है तो विज्ञान जो है बात करते हैं तो किसी विषय विशेष से संबंधित व्यवस्थित, ये एक तरीके से रिपीटेड है, तो ये आप लोग याद ना करिए क्योंकि ये हटा दीजिए।
ये रिपीटेड है क्योंकि ऊपर वाली लाइन ये रिपीटेड कर दी है। तो आज की क्लास में मैंने आप लोगों को देखो क्या क्या बताया, ज़्यादा कुछ नहीं बताया क्योंकि ज़्यादा बड़ी क्लास हम लोगों ने नहीं कर पाई है आज, कोई नहीं, लेकिन हम लोगों ने बहुत सी चीज़ों को समझा है। और अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर करें, अगर लाइक नहीं करते हैं आप लोग तो हम समझेंगे कि आप लोगों को क्लास अच्छी नहीं लगी है। सबसे पहले हम लोगों ने जाना कि व्यावसायिक संप्रेषण क्या है, संचार क्या है, और इनको अच्छी तरीके से आप लोग अपने नोट्स में बनाते रहिए। संप्रेषण को पढ़ने के बाद हम लोगों ने व्यावसायिक संचार को पढ़ने के बाद हम लोगों ने संप्रेषण के अर्थ को जाना, और संप्रेषण के अर्थ को जानने के बाद हम लोगों ने संप्रेषण के अर्थ को जानने के बाद संप्रेषण की प्रकृति को जाना। और तीन टॉपिक हम लोगों ने अच्छी तरीके से किए, संप्रेषण का परिचय और संप्रेषण का अर्थ और संप्रेषण की प्रकृति, ये तीनों बातें आप लोगों को अच्छी तरीके से समझाई हैं और पूरी समझाने की कोशिश की है। संप्रेषण विज्ञान एवं कला है, ये दोनों बातें हैं, इनको याद रखिएगा। ये बात जो है ये आप लोगों को यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। तो इनको अच्छी तरीके से आप लोग करते रहिए, अपने नोट्स बनाते रहिए, जिससे आप लोगों को दोबारा वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।